नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले कटोरी ब्लाउज की पूरी कटिंग। जैसे जब हम लोग स्टिचिंग करते तो फिनिशिंग थोड़ी भी आती नहीं, तो लास्ट तक वीडियो देखना, फिनिशिंग कैसे किया जाता है और इसी के साथ हम फिटिंग बताएंगे और इसी के साथ हम पाइपिंग कैसे लगाया जाता है वो बताएंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो तक आखिरी तक बने रहे। चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और बेल आइकन भी क्लिक करना है, जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो अभी हम पहले कटोरी ज्वाइंट कर लेते हैं और इसके पीछे का पार्ट हमें थोड़ा साइड कर लेना है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी भी कटोरी ब्लाउज सिलते समय क्या होता है, उल्टा सुलटा हो जाता है, तो एक बार ध्यान रखना है आपने, कटोरी देख लेना है। यहाँ पे मैं पहले निशानी कर लेनी है, देख सकते हो इस तरीके से, मैं आपको पहले निशानी करके बता देती हूँ। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी, और यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स लग जाती है, कई कबार क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कटोरी लगा लेते हैं इस तरीके से, देख सकते हो, फिर हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है। फिर जब पूरा ब्लाउज सिलने के बाद हमें मालूम पड़ता है यार क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो इस बात का आपने ध्यान देना। कभी भी पहले दोनों कटोरी साइड में पहले रख लेनी इस तरीके से, और गोल साइड यहाँ पे, और पहले हमें यहाँ पे देख लेना है, एक भाग यहाँ पे आता है और दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे आता है, देख सकते हो इस तरीके से। अभी इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, और कटोरी कभी भी सिलनी हो तो नीचे से सिल के जाना है, ऊपर से सिलना नहीं है। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो हम लोग कट कर लेते हैं, और हमारी जो कटिंग है तो हमने एक्स्ट्रा ही ज़्यादा दिया है, कम नहीं दिया है, यानी जो आप सिलोगे तो आपका इजीली ब्लाउज हो जाएगा। तो कपड़ा न खींचते, यानी खींचना थोड़ा भी नहीं सिलाई करते समय, इस बात का ध्यान देना है, जैसे वैसे कपड़ा रख के यहाँ पे स्टिच करते जाना है। दोरा निकल गया कोई बात नहीं, सिलाई अच्छी तरह से नीचे से देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा भी यहाँ पे मैंने कपड़ा खींचा नहीं, जैसे वैसे ही रखा है, और यहाँ पे हमने सिलाई किया हुआ है, और यहाँ पे हम पहले किनारे भी सिलाई कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे ओवरलो करना है, यदि ओवरलो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, किनारे से सिलाई कर लेनी, यानी जो भी धागा दोरा निकलेगा नहीं, और डबल सिलाई कर लेनी, यानी मजबूती बनी रहेगी। मैं आपको लेके बता देती हूँ, हम लोग जब सिलाई करते हैं हम लोग तीन तीन सिलाई लगाते हैं, क्योंकि सिलाई अच्छी होती है तो फिटिंग भी अच्छी आ जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है, यानी और लोग की हमें झंझट नहीं होती है। अभी यहाँ पे इसे देख लेना है, नाखून से इसे हमें फिनिशिंग कर लेनी है, इस तरीके से दबा लेना है सिलाई, देख सकते हो इसको यहाँ पे मुड़पा लेना है। अभी यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा लेते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, पहले कटोरी पे टक्स लगाते हैं बाद में ज्वाइंट करते हैं ये वाला, तो हमें वैसा नहीं करना है, पहले कटोरी ज्वाइंट करनी बाद में टक्स पॉइंट लगाना है, और इसे आगे पीछे कर लेना है। मैं बाद में डबल लगा लेती हूँ, उसने अभी बता देती हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन ना हो, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे तुरंत हमें इसे कट कर लेना है, और धागा दोरा भी तुरंत कट कर लेना है, तभी हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देख रहे हो कितना बढ़िया सा हमारा ये पफ निकला है कटोरी का। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी लगा लेते हैं, और यहाँ पे इसे क्रॉस में लगाना है क्रॉस पट्टी, तभी अच्छी तरह से शेप आता है दोस्तों। नहीं तो क्या, हर जो ब्लाउज सिलते हैं ना, जो बिगनर होते हैं, तो वो क्या इधर सीधे लगा लेते हैं, फिर फिटिंग भी अच्छी आती नहीं है। कभी भी क्रॉस पट्टी एकदम शेप में आना चाहिए, वो तभी अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज की, इस बात का भी आपने ध्यान देना है। और सिलाई करते समय मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब भी सिलाई करते होगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा भी कपड़ा खींचना नहीं है, यदि आप कपड़ा खींचोगे तो फिनिशिंग भी चली जाएगी और फिटिंग भी बराबर आएगी नहीं। यहाँ पे मैं डबल डबल सिलाई मार रही हूँ, और तुरंत यहाँ पे मैं धागा दोरा कट कर ले रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से और नाखून से मैं इसे दबाते जाना है, इतनी बढ़िया से हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसका पार्ट सेम टू सेम दूसरा भी ऐसे सिल लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्का सा कर्व, यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने सिले ऐसे। अभी यहाँ पे हल्का से हमें स्ट्रेट लाइन करनी है, हल्की सी इस तरीके से, देख सकते हो, थोड़ा ही छटाई करनी है, ज्यादा करना नहीं है, एकदम परफेक्ट। अभी जो डाया हाथ होता है वहां पे हम लोग आई पट्टी करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 2 इंच का जितना कपड़ा लिया, इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है दोस्तों, क्योंकि जो बिगनर हो गए इनके लिए, और जो अच्छे सिलते हो तो 2.5 इंच का भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे हमने इसे सिलना है, दोरा निकल गया है कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने लगाना है इस तरह की सिलाई करनी, और जहाँ पे ये क्रॉस पट्टी दिख रही है वहाँ पे हल्की सी हमें प्लेट लेनी है, थोड़ी सी लेनी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, हल्की सी,
और ऐसे सीधे सिलते जाना है। हाँ दोस्तों, वीडियो आपको हमारा कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी यहाँ पे लव सिलाई मार लेना है, और जिन लोगों को कटिंग नहीं आती होगी तो आप सभी को मालूम है गीता लेडी टेलर की कटिंग है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वेबसाइट का नाम है लेपोज, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर लिया है, अभी इसको मैंने उल्टा रख लिया है और कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, तो इसको ऐसे अंदर से कवर सिलाई कर लेनी है। इसे कहते हैं कवर सिलाई, जैसे यहाँ पे हुक लगती है हमारी, और इसे कॉर्नर में सिलाई करते जाना है, कॉर्नर कॉर्नर में। यहाँ पे हाथ सिलाई भी किया जाता है पर अभी कोई करता नहीं इसलिए सिलाई मार लेते हैं, और धागा दोहरा तुरंत कट। मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख सकते हो अभी आपको लगा है कितना छोटा, इसे मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी इसे थोड़े से हल्की से मैं छटाई कर लेती हूँ, अभी दूसरा पार्ट भी सिल के बता देती हूँ, इसे मैं ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे अस्तर ले लेना है, और यहाँ पे मेन फैब्रिक ले लेना है, बहुत ही बड़ा है इसके नाप से हम करेंगे। इसे मैं कट कर लेती हूँ, 2.5 इंच जितना कपड़ा लेना है। अभी यहाँ पे अस्तर को ऊपर रख लेना है, सॉरी मेन फैब्रिक को ऊपर रख लेना है, मेन फैब्रिक इस तरीके से। अभी जो ब्लाउज की जो कटोरी है इसे ऊपर रखना है, बस ऐसे करना है, एक ऊपर रखना है एक नीचे रखना है, इसे कटोरी ऊपर रखनी है, और इसे अभी सीधे से सिलाई मारनी। यहाँ पे हमने प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ सीधे से सिलाई मारते जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसे कट कर लेना है। अभी इसको अंदर लगा लेना है, जो कवर दिख रहा है कपड़ा इसे अंदर से कवर कर लेना है, यानी सिलाई दिखेगी नहीं हमारी। अभी इसे 1.25 इंच जितना बाहर निकालना है, इसे ऐसे, यानी आई पट्टी लगेगी इस पर, और जहाँ पे हमारी सिलाई होती है वहाँ पे इसे सिलाई करते जाना है, कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई है ना, वहाँ पे कपड़ा रख लेना है और कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई करते जाना है। अभी यहाँ पे और डबल सिलाई मार लेती हूँ, जब हम हाई करेंगे तो ये लेवल मिल जाएगी। अभी मेन फिनिशिंग, अभी मेन नेक कैसे कट किया जाता है वो बताते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखना है, अभी यहाँ पे हमने 3 की क्रॉस पट्टी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग 3.5 करना है, ये परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे हमने अभी कट नहीं करना, ये परफेक्ट है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है तभी कट करना है, या परफेक्ट हो तो नहीं कट करना है, और सिलने के बाद ये 3 पे आ जाएगा। अभी 3.5 है ना, अभी यहाँ पे भी हमें 3.5 का गला रेडी चाहिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, देख सकते हो इतना 4। अभी यहाँ पे हमने 2 का तीरा लेना है। अभी ये हमारी फाइनल कटिंग होती है दोस्तों, फाइनल कटिंग, और इसे मैं इसे स्टेट में ड्रॉ कर लेना है। देखो कितना एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इसका शेप भी बराबर नहीं है। इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई करोगे तो फिर ब्लाउज बिगड़ जाता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड शेप दे देना है, गोलाई, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे इसे कट कर लेना है इस तरीके से। अभी ये हमारी होती है फाइनल कटिंग, गला भी अच्छा बैठ जाता है और शोल्डर हमारी थोड़ी भी नहीं गिरती, देख सकते हो। अभी दूसरा पार्ट ले लेती हूँ, और जो क्रॉस पट्टी पे क्रॉस पट्टी रख लेना है सेम टू सेम, इसे भी ऐसे रख लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अभी यहाँ पे हमें कट कर लेना है, इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा कट। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 लिया था अभी यहाँ पे हम लोग 2.5 लेंगे। अभी आपको लगा 2.5 की इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 इंच बढ़ गया ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन कर लेना है, और इसे भी स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देते हूँ, और गोलाई में हमें यहाँ पे कट कर लेना है इस तरीके से। ब्लाउज बहुत ही इजी होता है दोस्तों सिलने में, खाली इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा ब्लाउज की कटोरी कितनी बढ़िया सी आ चुकी है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। एकदम इसका जो शेप आपको दिख रहा है वो भी अच्छी तरह से आ गया है। अभी शोल्डर कैसे ज्वाइन किया जाता है वो बताते हैं। अब यहाँ पे पीछे का पार्ट मैंने ले लिया, अभी यहाँ पे जो मैंने लाइन दी है वो भी टक्स लगा लेते हैं इस तरीके से, और
थोड़ा ही फोल्ड करना है, यानी आधा इंच की दूरी पे हमें इसे फोल्ड करना है और क्रॉस में इसे सिलाई करते जाना है। आप देख सकते हो इस तरीके क्रॉस में। और फिर कपड़ा लेना है, आड़ा टेढ़ा कपड़ा लेना नहीं दोस्तों, इस तरीके से आगे पीछे कर लेना है। नहीं कभी क्या होता है, हम लोग जो ब्लाउज पहनते हो इधर सिलाई ज़्यादा मजबूत नहीं तो टक्स निकल जाता है और फिर फिटिंग अच्छी आती नहीं। अभी यहाँ पे भी हमें ऐसे हाथों से प्रेस कर लेना। अभी यहाँ पे टक्स को अच्छी तरह से फिनिशिंग मैंने कर लिया है। अभी हम लोग शोल्डर कट कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरी कटिंग होती है ना दोस्तों, तो मैं लास्ट में शोल्डर कट करती हूँ, पहले शोल्डर कट नहीं करती हूँ। बहुत सारे पहले कट कर लेते हैं, वो उनका है तरीका, पर मेरा तरीका खुद का तो यही है। परफेक्ट मैंने कर लिया है। अभी यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे या पौना इंच की दूरी पे हमें इसे कट कर लेना है क्रॉस में। देख सकते हो इतना, थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, आधा इंच से थोड़ा कम लेना। अभी इसको भी मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और इसे भी हमें इसे ही शोल्डर कट कर लेना है, बराबर रख लेना है। परफेक्ट, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दो बार वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखना होगा। एक बार आपको वीडियो समझ में हमारा आ गया तो दूसरे टाइम आप वीडियो देखोगे खुद से खुद ब्लाउज सिल पाओगे। फिर हमें कमेंट करके बताना है आपने कि सही में फिटिंग और फिनिशिंग कैसी आई। अभी इसे भी थोड़ा सा ही कट करना है, इतना ही मैंने कट किया है। अभी इसे हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। अभी इसे मैंने सीधा कर लिया है और इसे हमने उल्टा रखना है। अभी यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी आपको खुद को ही मालूम पड़ेगा, इतना कट करने से भी हमारा जो ब्लाउज हम जब पहनते हैं तो शोल्डर नहीं गिरती, थोड़ी भी नहीं गिरती। मैं 101 तक का गारंटी के साथ आपको बताती हूँ। मेरे तरीके से सिल के देखो तब आपको खुद को मालूम पे आ जाए, अरे यार ब्लाउज सिलना कितना ईजी है। हमें तो लगा बहुत ही हार्ड है ना, कुछ भी नहीं हार्ड है। एक दो बार प्रैक्टिस करो बस, देख रहे अभी ये कितना कम है और ये कितना ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इसका भी मैं सलूशन आपको बता दूँगी कैसे किया जाता है ये। अभी यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी इसको मैं पहले वापस डबल सिलाई मार लेती हूँ, क्योंकि वो धागा दोरा निकल रहा है इसका। अभी और लोग करने में मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको तीन बार सिलाई मार लेती हूँ। देख सकते हो इस तरीके से, अभी ये तो कितना बड़ा हो गया और ये कितना आगे का छोटा हो गया, और इसका जो शेप दिख रहा है एकदम अगड़म बगड़म जैसे हो गया। अभी इसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका आगे का सलूशन है। पहले हम क्या कर लेते हैं, पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सीधे में लिया है, अभी मेरे पास बहुत कम कपड़ा है और साड़ी इस कलर की है तो कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेट क्रॉस में तो निकला नहीं, अभी स्ट्रेट में निकल गया है, कोई बात नहीं। इसे पहले हमें ऐसे हल्के से पहले सिलाई कर लेनी है कॉर्नर कॉर्नर पे। ये पाइपिंग के लिए मैं बता रही हूँ, स्ट्रेट कपड़ा होता है तो पाइपिंग कैसे लगाया जाता है। कभी कभार क्या होता है, कपड़े में बहुत कम कपड़ा आ जाता है और पाइपिंग के लिए कपड़ा बचता भी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कॉर्नर से साड़ी से फाड़ते हैं, वो सीधे से निकलता है। पर सीधे से भी पाइपिंग अच्छी हो जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले इसको सीधे से सिलाई में कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई मार ली। अभी आप लोग ब्लाउज ले लेते हैं इस तरीके से। अभी इसे हल्के से इसे कवर कर लेना है और कपड़ा न खींचता इसे हमें सिलते जाना है। अभी यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे और कपड़ा खींचना थोड़ा भी नहीं है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारा अच्छा ब्लाउज होता है तो आपका भी अच्छा ब्लाउज होना चाहिए। कपड़ा खींचोगे फिर फिनिशिंग भी चली जाएगी और जैसे चाहे वैसे रिजल्ट आएगा भी नहीं हमारे ब्लाउज में। अभी आप देख सकते हो मैंने जैसे वैसे ही कपड़ा सिल रही हूँ मैं, और स्ट्रेट वाले कपड़े से ही मैं अब आपको बता रही हूँ पाइपिंग कैसे लगाया जाता है। स्ट्रेट वाले कपड़े से हम लोग जब पाइपिंग लगाते हैं ना तो कपड़ा जब ब्लाउज पहनते हैं तो पाइपिंग उल्टी गिर जाती है, फिर अच्छा दिखता नहीं, पूरी सिलाई सिलाई दिखती है, फिनिशिंग भी अच्छी आती नहीं है। तो आपने क्या करना, आप जो नए सीख रहे होगे तो आपने डायरेक्ट मशीन पे नहीं सिलना है, डायरेक्ट हाथों से सिलना है, यानी सुई से सिलना है, हाथों से पहले सिल लेना है फिर उसके बाद हमें मशीन यूज़ करना है। ये जो नए लोग होते हैं उनको डायरेक्ट करोगे तो फिर ब्लाउज खराब हो जाएगा, कपड़ा भी खराब हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपने पहले हाथों से सिलकर मशीन पे बाद में सिलना है। अभी ये देख सकते हो मैंने आपको पूरा बताया, यहाँ पे मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको एकदम पूरा ही बता रही हूँ। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेती हूँ, तो इसको ऐसे में कवर कर लेना है और सिलाई पक्की कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे वो दिख रहा है आपको ये, अभी यहाँ पे हल्के से हमें नॉचेस लगा लेना है, जहाँ पे हमारा राउंड होता है वहाँ पे भी लगाना है इस तरीके से।
अभी यहाँ पे आपको बताऊंगी, जहाँ पे अभी हमने स्ट्रेट वाला कपड़ा लिया था यानी पाइपिंग के लिए, तो इसे में सारे में ही हमें इसको कट करते जाना है एक एक इंच की दूरी पर, तभी अच्छी तरह से बैठेगा हमारी पाइपिंग। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने सीधे कपड़े पे पाइपिंग लगाई, क्रॉस कपड़े पे लगाई ऐसे लगेगा। पाइपिंग का कपड़ा हम लोग क्रॉस कट करते ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारा और एक चैनल है गीता कुकिंग वर्ल्ड करके, जैसे गीता लेडीज टेलर को आप देखते हो बहुत प्यार से, वैसे गीता कुकिंग वर्ल्ड को भी देखना है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको, और हमें वहाँ पे कमेंट भी करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है, और सिलाई को छोड़ के कट करना है दोस्तों, सिलाई को पकड़ के कट नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागा दोरा कट कर लेना है। अभी यहाँ पे जो मैं पाइपिंग का दोरा लगाने वाली हूँ, पाइपिंग का दोरा लगाने से पाइपिंग भी अच्छी आ जाती है और प्रॉब्लम होती नहीं, आड़ी टेढ़ी भी आती नहीं। अभी यहाँ पे जहाँ पे जो सिलाई दिख रही है वहां पे दोरा लगा लेना है, और इसे कवर कर लेते हूँ, और इसको हमें ऐसे कवर करके इसको ऐसे कर लेना है। अभी कॉर्नर कॉर्नर पे हमें यहाँ पे सिलाई मारते जाना है, और आगे पीछे कर लेती हूँ क्योंकि मजबूती बनी रहेगी, निकलेगा नहीं थोड़ा भी। और सिलाई करते जाना है और दोरा बीच में डालते जाना है, और कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई मारते जाना। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी एक जैसी हमारी पाइपिंग आ जाती है। और यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल हमारी जो मशीन का जो बूट होता है उससे मैं पाइपिंग लगाती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंज वगैरह करती नहीं हूँ, नॉर्मल वाले में मैं पाइपिंग लगाती हूँ, वो भी अच्छा बैठ जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ खुला वगैरह नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल से मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। जो खोलते हैं यहाँ पे छोटा सा नट कम ज़्यादा करते वो करना नहीं, नॉर्मल सिलाई भी हमें पाइपिंग लगाते जाना है, वो भी पाइपिंग दोरे की, और कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई मारते जाना है। मैं आपको पास से लेके बता देती हूँ, देख सकते एकदम बढ़िया सी एक जैसी हमारी पाइपिंग बन रही है। और जिन लोगों को हमारी कटिंग लेनी होगी, जो वीडियो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी, और फिटिंग विटिंग बहुत ही अच्छी आती है। मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे कटिंग के मार्फत ही मैंने आपको बताया, यानी आप जब मेरी कटिंग लेते होगे, और जिन्होंने नहीं ली ये वीडियो देख के आप तुरंत लेना पहुँचाओगे और ब्लाउज आधे घंटे के अंदर सिल पाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ। देखो एकदम एक जैसी हमारी पाइपिंग आ गई है। इस तरीके से पूरी पाइपिंग लगा लेती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो अभी सीधे कपड़े पे मैंने पाइपिंग लगाई तो पूरी पाइपिंग ऐसे उल्टी गिर गई है ना। अभी इसका मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ये टिप्स आपने फॉलो करना है। अभी इसको हमें क्या करना है, हल्के से कट लगाते जाना है, और वापस सभी जगह यहाँ पे कट लगाना है, और सिलाई को छोड़ के कट लगाते जाना है दोस्तों। फिर हमारी जो पाइपिंग उल्टी गिरती नहीं और कुछ तो परफेक्ट आ जाती है। इस तरीके से हमें कट लगाते जाना है। अब यहाँ पे सारी जगह मैंने कट कर लिया है, अभी हम लोग सिलाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा दोरा कट कर लेना है। अभी एक ही लाइन में हमें एक जैसी सिलाई करते जाना है, जो ये बूट दिख रहा है ये मशीन का, इसके लाइन में भी हमें एकदम बराबर कंटिन्यू करते जाना है सिलाई, एक जैसी सिलाई आ जाती है, और कपड़ा थोड़ा भी हमें खींचना नहीं है। देख सकते हो इस तरीके से एकदम बढ़िया सी हो जाती है पाइपिंग सीधे कपड़े की, सभी को आ जाएगी। अभी क्रॉस कपड़े में तो सभी सिल पाते हैं, पर सीधे कपड़े में कोई सिल नहीं पाता है ना, कपड़ा कम होता है तो कैसे पाइपिंग लगाई जाती है। अभी यहाँ पे एक जैसे मैंने सिलाई मार ली है इस तरीके से, और आगे पीछे कर लेती हूँ। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ, देखो कितनी बढ़िया सी हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है, थोड़ी भी ये भी उल्टी गिरी नहीं कुछ नहीं, पहले कितनी ये थी अभी एकदम परफेक्ट हो गई है, रिजल्ट आपके सामने। अभी हाँ दोस्तों, आपके लिए इतना बहुत काफ़ी हो गया। अभी यही वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में,
जैसे कि अभी फिटिंग बाकी है हमारी और स्लीव्स कैसे लगाया जाता है, जो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही इसका मैं आगे के वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगी और स्लीव्स कैसे लगाया जाता है और फिटिंग। हाँ तो अभी तक के लिए तो इतना बस हो गया, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इतना ही वीडियो बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी वीडियो बताऊँ यानी सारी टिप्स इसके साथ बताऊंगी। तो वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करना है, और नए हो गए चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों गीता को, लेडीज टेलर को। धन्यवाद।